हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज अपनी 1.3 सेट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसके हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे अपनी प्रीवियस वीडियो में 4th। एक बात समझ में, तो सिंपल से ही थे, सब सेट और बिलोंग्स टू में ही चल रहा है। इसके अलावा एक इंटरवल जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, 4 तक हम कर चुके हैं। आज ही अपन अपनी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर बात हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, है ना। जैसे कोई भी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में कहीं किसी चीज़ में अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, ठीक है ना। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो कह रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ ए इक्वस टू 5। वो पूछ रहा है कि ए जो है वो 5 है तो पी ए में कितने एलिमेंट होंगे। पी ए का मतलब है कि ए में कुल कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो, ए में कितने एलिमेंट हैं, 5 है अकेला, ठीक है। और 5 जो है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। और इसमें एलिमेंट केवल कितना है, ए में एक ही एलिमेंट है, क्या है, 5। और यही हमसे पूछा है उसने कि हाउ मैनी एलिमेंट है। तो हम यहां क्या लिख देंगे, ओनली 1 एलिमेंट। ओनली 1 एलिमेंट है पी ए में। हमसे पूछा गया था के पी ए में कितने एलिमेंट्स हैं अगर ए इक्वल टू 5 है, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट है ए में, क्या है वो एलिमेंट, 5 है, क्या है, 5। आगे बात समझ में, 5 भी अपने आप में एक क्या है, एलिमेंट, ठीक है। लेकिन एलिमेंट कब है 5, जब वो उस एक किस में, सेट में गिवन हो। अगर नहीं होता तो 5 क्या होता, सबसेट हो जाता है, ठीक है। देखो क्या है 5, अगर कोई एक ए सेट है जिसमें हमें 1, 2, 3, 4 ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि 5 जो है सबसेट है ए का, लेकिन 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्यों नॉट बिलोंग्स टू ए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है। अगर यहाँ आ जाता 5 तो 5 बिलोंग्स टू करता है किसको, ए को, ठीक है। यहाँ तो अपने पास 5 है इसीलिए एक एलिमेंट, अगर नहीं होता तो कोई भी एक एलिमेंट उसमें नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल्स। इंटरवल्स में लिखना है हमें, और हमें क्या गिवन है, एक रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है जिसे हमें इंटरवल में लिखना है। तो देखो, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, मैं कुल टोटल अपने पास इंटरवल कितने होते हैं, 4 इंटरवल होते हैं। कितने होते हैं, 4 इंटरवल। फर्स्ट वाला जो होता है वो होता है दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। दोनों तरफ बिग ब्रैकेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। एक तरफ छोटा, एक तरफ बड़ा, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज। और एक होता है बड़ा और ये होता है स्मॉल, इसे बोलते हैं क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, अगर उनमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो अब ये हम क्वेश्चन करेंगे ना, इससे बिल्कुल सॉल्व समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि एक्चुअली में ये इंटरवल होते क्या हैं, कब स्मॉल ब्रैकेट लगता है और कब बिग ब्रैकेट लगता है, यानी कि कब ओपन ब्रैकेट और कब क्लोज ब्रैकेट लगता है। देखो, जहाँ भी इक्वल टू का साइन आ जाए ना, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, तब तो लगता है क्लोज ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट लगता है, क्लोज ब्रैकेट। और जब भी लेस देन और केवल ग्रेटर देन का साइन हो
तब लगता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इक्वल टू होता है तो क्लोज ब्रैकेट, और इक्वल टू नहीं हो तो ओपन ब्रैकेट। तो सिक्स का जो फर्स्ट है, सिक्स का जो फर्स्ट है वो हमसे कह रहा है x such that x belongs to R minus 4 less than x और x less than equal to 6। ठीक, देखो एक तरफ तो है केवल लेस देन का साइन और एक तरफ है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल। तो एक तरफ यहां है केवल लेस देन साइन और यहां है लेस देन इक्वल टू। मैंने अभी अभी बताया जब लेस देन और केवल ग्रेटर देन के साइन हो तब ये ब्रैकेट लगता है, लेस देन इक्वल टू हो तो ये वाला लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो, ठीक है। तो देखो एक तरफ तो केवल है ये वाला साइन लेस देन वाला, तो लगेगा ओपन ब्रैकेट। यहां लेस देन इक्वल टू तो यहां लगेगा बिग वाला, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा नजदीक लगा लेता हूं, यहां ब्रैकेट लग गए। इनके अंदर नंबर केवल इनको ही लिख दो, ये और ये जो गिवन है ना केवल सिंपल माइनस फोर और सिक्स। ये कौन सा इंटरवल हो गया? ओपन क्लोज इंटरवल, ठीक है। हमें केवल इसमें इंटरवल में लिखना था जो कि हम लिख चुके हैं। अब इसमें सेकंड जो है वो देखो क्या कह रहा है, x such that x belongs to R minus 12 less than x less than minus 10 x less than minus 10, ठीक है। दोनों तरफ कैसे साइन है? लेस देन के इक्वल टू के साइन नहीं है। तो दोनों तरफ कैसा आएगा अपने पास? दोनों तरफ जो अपने पास आने वाला है वो ओपन ब्रैकेट आने वाला है। कौन सा? ओपन ब्रैकेट। और नंबर ये ऐसे कैसे लिख लो, माइनस 12 और माइनस 10। आगे बात समझ में? बस यहां से पता लगता है कैसा ब्रैकेट होगा। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है दोनों में तो दोनों में ये, और जहां भी इक्वल का साइन आ जाएगा उधर ही क्या लग जाएगा? क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। सच दैट बिलोंग्स टू आर जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7, ठीक है। तो देखो यहां इक्वल है और यहां केवल लेस देन है, तो यहां तो आएगा अपने पास क्लोज ब्रैकेट और यहां आएगा ओपन ब्रैकेट। यहां लिख दो 0 और यहां लिख दो 7, ठीक है। अब देखो अगर इन तीनों को हमें नंबर लाइन पे भी लिखना होता तो कैसे लिखते, ठीक है। नंबर लाइन पे भी लिखना आना चाहिए, जैसे ये वाला था। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे लिखूं तो ये मैं एक नंबर लाइन डाल देता हूं, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ये तो है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। माइनस 4, 3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यहाँ तो है लेस देन माइनस 4 पे, तो यहाँ तो अपने पास आता गोला, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं होता तब एक गोला आता है केवल, और ये जो 6 है यहां आता एक पॉइंट। क्या आता? केवल पॉइंट आता। ऐसे यहां ये दोनों के दोनों कैसे हैं? देखो माइनस 12 माइनस 11 और माइनस 10, उधर 0 इधर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहां दोनों तरफ क्या है? लेस देन नहीं है, तो यहां दोनों तरफ मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है तो दोनों तरफ आ जाता गोला। और ये जो थर्ड वाला है 0 से लेकर 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहां इक्वल है 0 के तो यहां तो आता एक पॉइंट, ठीक है, और 7 से लेस देन है तो 7 पे आता एक गोला,
आई बात समझ में। इन्हें ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ क्लोज ब्रैकेट होता है वहाँ तो आता है डॉट, और जहाँ ओपन ब्रैकेट होता है वहाँ आता है एक गोला, क्योंकि वो वहाँ तक रीच करता नहीं है, टच नहीं करता सेवन को, सेवन से लेस देन है तो सेवन तक वो पहुँचे गए नहीं, ठीक है, उससे पहले ही एक बाउंड्री कर दी जाती है। ये था सिक्स का थर्ड। अब इसमें एक और है फोर्थ, मैं ये थर्ड वाला मिटा के फोर्थ वाला करा देता हूँ यहीं। एक्स माइनस टू आर थ्री लेस देन इक्वल टू फोर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो देखो दोनों तरफ क्या है, इक्वल टू के साइन है, तो दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट आएगा, और थ्री और फोर नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो थ्री और फोर ऐसे है, यहाँ भी एक डॉट आएगा और यहाँ भी एक डॉट आएगा, क्योंकि इक्वल टू है तो इक्वल तक वैल्यू पहुँच जाएंगे। आई ना बात समझ में? तो क्या ध्यान रखना है कि कौन सा ब्रैकेट लगेगा, बस जहाँ भी इक्वल टू का साइन आता है वहाँ तो क्लोज ब्रैकेट लगता है, और जहाँ केवल लेस देन होता है वहाँ ओपन। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन इंटरवल का कंप्लीट हो गया है। अब आपको इंटरवल का टॉपिक समझ में आया होगा ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर सेवन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सब बिल्डर फॉर्म। अभी क्या है, जैसा अभी हमने किया था ना सिक्स में, अब उसका अपोजिट करना है। अब हमें ब्रैकेट में दिया है, उन्हें हमने ओपनली लिखना है रोस्टर फॉर्म में, जैसे हमने इस बार हमें जो सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थे ना, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था जिससे हमें उन्हें ब्रैकेट में लिखा था, अब हमें ब्रैकेट में गिवन है उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बस उसका कन्वर्ट है बिल्कुल। माइनस थ्री और जीरो, तो देखो दोनों तरफ कैसे साइन है, कैसे ब्रैकेट है दोनों तरफ, ओपन ब्रैकेट है दोनों तरफ, तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसे, इधर लिखता हूं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये तो सब में फिक्स कॉमन चलेगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसके बाद एक्स तो बीच में है, लेस देन माइनस थ्री, मतलब माइनस थ्री लेस देन एक्स, और एक्स लेस देन जीरो, दोनों तरफ केवल लेस देन का साइन आएगा। नंबर सिस्टम पे अभी लिखोगे तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन और जीरो, यहां भी एक गोला आएगा और यहां भी एक गोला आएगा, ठीक है, नंबर लाइन पे लिखने के लिए। सेकेंड है सिक्स ट्वेल्व, और दोनों तरफ कैसे ब्रैकेट हैं, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट को आप लोगों को पता ही चल गया होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ट्वेल्व जो है सिक्स, इधर क्या आएगा सिक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व, बस यहां दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट थे तो यहां दोनों तरफ इक्वल टू का साइन के साथ आएगा, इतना सही है। देखो थर्ड क्लोज ओपन क्लोज, और यहां है क्लोज ओपन और क्लोज ब्रैकेट और ट्वेल्व, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, x such that x belongs to R, इधर है 6, x 12, ठीक है, यहां ब्रैकेट था ओपन इसलिए यहां केवल लेस देन का साइन आया, यहां क्लोज था तो लेस देन इक्वल टू का आ गया। माइनस 23 और माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स,
एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन ब्रैकेट। तो x such that x belongs to R, यहाँ है -23 less than equal to x और यहाँ केवल less than 5। ठीक है, ये भी हो सकता है अपना -7 complete। आगे ना बात समझ में, कब less than equal to लगता है और कब less than लगता है वो depend करता है इन bracket की positions पर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा था यूनिवर्सल सेट वुड बी पर्पस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोअर्स। ठीक है, तो हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है। अब हमें दो क्वेश्चन है 8th में। फर्स्ट दो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, द सेट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, ये दो हैं, इनके लिए हमें यूनिवर्सल सेट लिखना है। क्या लिखना है? यूनिवर्सल सेट। देखो मैंने यूनिवर्सल सेट आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि जितने भी हमें सेट गिवन हैं वो जिसके सबसेट होते हैं ना वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, तो वही यूनिवर्सल सेट होता है। अब इनके यूनिवर्सल सेट देखो, दोनों ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल्स के टाइप हैं, एक है राइट एंगल और एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं। भाई ट्रायंगल्स को ही बिलोंग कर रहे हैं, ट्रायंगल ही हैं एक्चुअली में। तो अगर मैं केवल एक लाइन लिख देता हूँ कि द सेट ऑफ ए ट्रायंगल, तो वो इन दोनों के लिए क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सेट्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी लिख सकते हो ना, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ये लिख लो। द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इन दोनों सेट के लिए। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें, सिंपल सा ही है, यूनिवर्सल सेट लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों भी अपने आप में एक टाइप ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो हम क्या लिख देंगे? पूरे ट्रायंगल्स का एक सेट लिख देंगे, द ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है इन दोनों के लिए। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है 9। देखो 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने कुछ सेट गिवन है, ए है 135, बी गिवन है 246 और सी गिवन है 02468। ठीक, अब कुछ हमें ऑप्शंस गिवन हैं जिसमें से हमें ये बताना है कि उन ऑप्शंस में से इन तीनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, तो मैं वो ऑप्शंस लिखता हूँ सारे, जीरो से लेकर 6 तक। सेकेंड है थर्ड जो है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
नाइन टेन, फोर्थ वन से लेकर एट तक, ठीक है। अब ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, जिसमें ये तीनों के तीनों सेट्स के एलिमेंट क्या हों प्रेजेंट होंगे, वही यूनिवर्सल सेट होगा। फर्स्ट में जीरो से लेकर सिक्स तक हैं, यहाँ देखो 1 3 5, 2 4 6 और जीरो से लेकर एट तक, यानी एट है। यहाँ देखो इसका ये सबसेट हो सकता है, इसका ये भी सबसेट हो सकता है, लेकिन ये वाला इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एट है, यहाँ पर एट एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट होना ज़रूरी है। ये किसी एक ऐसा सेट ढूंढना है जिसके ये तीनों के तीनों क्या हों, सबसेट्स हों। तो ये ए और बी तो इसके सबसेट्स हैं, लेकिन सी इसका सबसेट नहीं है। ये तो फाई है, तो फाई का तो एक भी इनमें से सबसेट नहीं है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ऐसा नहीं है कि फाई के भी सभी सबसेट होंगे, है ना, नहीं, फाई सबका सबसेट होता है, फाई के सब सबसेट नहीं होते। यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ रहे हैं, एक भी ऐसा नहीं है। 1 2 देखो 1 3 5 इसमें है, 1 3 5, 2 4 6, 2 4 6, 0 2 4 6 8 सारे के सारे इसमें हैं। अब यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे हैं, केवल किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। तीसरे वाले में क्या नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो होता तो ये भी एक यूनिवर्सल सेट हो जाता, लेकिन अब अपने पास ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल सेट, ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट। कौन सा वाला, क्या देखना है कि जो भी हमें सेट गिवन है ना, वो तीनों के तीनों सेट अपने पास, कोई एक ऐसा देखना वो तीनों के तीनों सेट जिसके सबसेट हो, यानी उन तीनों के एलिमेंट जहां मिल जाएंगे वही क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम ये सेट कर रहा है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट है। इसी के साथ अपनी जो 1.3 एक्सरसाइज है कंप्लीट हो चुकी है, हुई या नहीं हुई, हो गई। आप लोगों के लिए भी हो जानी चाहिए, करना इसे अच्छे से, पढ़ना इसे और सॉल्व करना, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बता दिया करो, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।